नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पीएम मोदी ने 2014 में जब देश की सत्ता संभाली तब देश में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप ब्यूरोक्रेट्स पर भी थे। इतना ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी पर कामचोरी का बड़ा आरोप लग रहा था। पीएम मोदी ने नौकरशाही के क्षेत्र में सुधार शुरू कर दी। पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में लेटरल एंट्री लाकर धीरे धीरे रिफॉर्म शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार अब केंद्रीय सचिव के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव और इस पद पर आईएएस के वर्चस्व को समाप्त करने के कदम उठाने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अब केंद्रीय सचिव के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव और इस पद पर आईएएस के वर्चस्व को समाप्त करने के कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार अब एम्पैनलमेंट प्रोसेस को समाप्त करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव पद पर नियुक्ति की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार अब एम्पैनलमेंट प्रोसेस को हटाकर एडवर्टाइजिंग के जरिए नियुक्ति करने का प्लान बना रही है। इस प्रक्रिया में सभी अफसरों, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर आईआरएस या अन्य, को एक बराबर का मौका मिलेगा। इससे इन केंद्रीय पदों पर आईएएस अफसरों का वर्चस्व कम होगा और सभी को बराबर का मौका मिलेगा। सरकार संयुक्त सचिव के स्तर से लेकर सभी पदों के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए खोलने पर विचार कर रही है। इन विज्ञापन में अधिकारियों के लिए पात्रता के लिए विस्तृत मानदंड होंगे। संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव के लिए 20 से अधिक वर्षों की सेवा। सभी केंद्रीय सिविल सेवक जो सेवाओं के मानदंडों को पूरा करते हैं वे पदों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बता दें कि एम्पैनलमेंट प्रोसेस भारत सरकार के संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव के स्तर पर केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत पदों पर चयन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया की अक्सर अन्य सेवाओं के अफसरों ने आलोचना की। नए एडवर्टाइजिंग प्रक्रिया के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि अगर सरकार का ये नया कदम लागू किया जाता है तो सभी केंद्रीय सेवाओं के अफसरों को केंद्रीय संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव के पदों पर नियुक्त होने के लिए बराबरी का अवसर मिलेगा। यदि इसे लागू किया जाता है तो ये प्रक्रिया आईएएस अधिकारियों और अन्य सेवाओं के लोगों के बीच पदोन्नति और नियुक्तियों में बराबरी के मौके देने जैसे दो महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करेगी। वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा पारदर्शिता लाने का काम किया। इसके लिए जो भी उचित एक्शन लेना था सरकार ने लिया। कुछ महीनों पहले मोदी सरकार ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और अर्थशास्त्र, विमानन, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में 15 साल के अनुभव के साथ संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये सच है कि आईएएस और अन्य सिविल सेवा कैडरों में कई कड़ी मेहनत करने वाले और सक्षम व्यक्ति शामिल हैं। लेकिन ये भी सच है कि कई अधिकारी सुस्ती, अक्षमता और भ्रष्टाचार में भी सबसे आगे रहे। अब तक भारतीय नौकरशाही के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ये फैसला समय के साथ नौकरशाहों को और बेहतर बनाएगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसी को आगे बढ़ाते हुए इसे और व्यापक बना दिया। सरकार ने यह तय किया कि संयुक्त सचिव पद पर लगभग 40% अधिकारी सिस्टम के बाहर से नियुक्त किए जाएं। इससे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को ज्यादा मौका मिलेगा और इससे फायदा देश को ही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की भारतीय नौकरशाही को पुनर्जीवित करने की योजना निश्चित रूप से पुरानी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम। वर्तमान प्रशासन के प्रयासों से इन प्रतिष्ठित सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा।